पिछले कुछ दिनों से एग्जाम डॉक्टर्स एजेंसी में हड़ताल पर थे, क्या वजह है हड़ताल की? इस हड़ताल की वजह है जो नीट पीजी में काउंसलिंग में जो डिले हुआ है उसके लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। ये नीट पीजी का पेपर सबसे पहले जनवरी में होता है, लेकिन ये जनवरी में कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, तो इसको रीशेड्यूल करके मार्च में प्लान किया गया, लेकिन मार्च में कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। इसके बाद इसको रीशेड्यूल किया सितंबर में। सितंबर में चलो ये एग्जाम हो गया, तो सितंबर के बाद हमें बोला गया था कि इसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो जो है स्पीड प्रोसेस से करेंगे, जल्दी करेंगे, हमारे फर्स्ट ईयर जल्दी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 सेशन में जो है ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया और ओबीसी क्राइटेरिया लाया। ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है रिवाइज करने के लिए बोला गया, इसका क्राइटेरिया फिर से रिवाइज किया जाए जो 1 लाख है, अब बाकी डिटेल्स पता है, लेकिन सारा क्राइटेरिया फिर रिवाइज किया जाए। तो इसकी 2 हियरिंग हो चुकी है और 3rd हियरिंग जो है 6 जनवरी को दी थी, तो ये जो 2nd हियरिंग है ये होती 25 नवंबर। तो जो 6 जनवरी को भी हियरिंग है उसमें ऐसा नहीं बताया कि काउंसलिंग जो है कब होगी, वो भी हियरिंग है, वो भी हमें पता नहीं है तब काउंसलिंग होगी, क्या डिसीजन देगी सुप्रीम कोर्ट, क्या सेंट्री की तरफ से आएगा। और अगला पेपर जो है वो मार्च में शेड्यूल हो चुका है कि मार्च में अगला पेपर हो जाएगा। तो हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं हम 3 बैच होंगे, 1st, 2nd, 3rd ईयर, जिसमें से 1 बैच पिछले 6 मंथ से मिसिंग है, मतलब हम टोटल यहाँ पे 1/3 स्टाफ जो है हमारे यहाँ पे मिसिंग है, हम 2/3 स्टाफ से काम कर रहे हैं इन बिटवीन कोविड-19 टाइम्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस टाइम तो जो है इन्हें ज्यादा डॉक्टर्स आने चाहिए जिस जगह पे ये जो है डॉक्टर्स लाग ही नहीं है, 1 एकेडमिक सेशन पिछले 6 महीने से मिसिंग है। तो ये 25 नवंबर को हियरिंग हुई थी, उसके बाद 26 से जो होता है डेली एजुकेशन शुरू हुई थी। हमारी फाउंडर है फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उसने ये स्ट्राइक जो है शुरू की थी, हमने उनको 6 दिसंबर को ज्वाइन किया, 6th और 7th को हमने 2 आवर्स की स्ट्राइक की, और आज से हमने जो है फुल जो है पूरे दिन की स्ट्राइक की, लेकिन इन बिटवीन हमारा एमरजेंसी यहाँ चलती रही। जबकि दिल्ली में GMC, GMC 32, राजस्थान, तमिलनाडु, बाकी कई राज्यों में एमरजेंसी बंद की गई, लेकिन यहाँ पे हमने एमरजेंसी वर्किंग रखी ताकि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। और आज हमें जो है हमने मीटिंग की, हाई लेवल पे मीटिंग हुई, फिर हमारी फॉर्डर के साथ बाकी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई है, उसमें ये डिसाइड किया गया, उसमें हमें बताया गया जो फॉर्डर है उनसे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की बात हो रही थी उनकी बात हुई, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी एश्योरेंस हमें मिला है कि 7 दिन में जो हमारी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो हम उन पर बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमने ही चुनी है, हमारे लिए जो है कुछ करेंगे, तो हम ये स्ट्राइक जो है फिर होल्ड करते हैं, लेकिन स्ट्राइक फिर होल्ड कर रहे हैं हम 7 डेज के लिए, ये स्ट्राइक हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उन्हें 7 दिन का एश्योरेंस दिया है, हम 7 दिन इसको भी होल्ड करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर अक्षय, जैसे कि अब आईएमसी डॉक्टर रेजिडेंट्स जितने भी आप सर, आप किन किन ऑफिशियल से मिले इन मांगों को लेकर के और आपको क्या आश्वासन दिया गया था? हम इन मांगों से सबसे पहले प्रिंसिपल सर से मिले हैं, हमारी प्रिंसिपल सर से बात हुई है, और प्रिंसिपल सर से आगे बात की है, आगे जो हेल्थ सेक्रेटरी से बात की है, और हेल्थ सेक्रेटरी से सेंटर को भी हमारी तरफ से लेटर जा चुका है कि यहाँ पे RDA में रजिस्ट्रेशन है और ये हमारी डिमांड है। अभी जैसे स्ट्राइक चल रही थी काफी दिन से, तो कौन कौन से सर्विसेज थी जो आप लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे थे पेशेंट्स को? हमने यहाँ पे रूटीन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की थी, OPDs में हम नहीं थे, लेकिन OPDs फिर हमारे सीनियर डॉक्टर देख रहे थे, एमरजेंसीज में हमारे विशिष्ट डॉक्टर जो हमारे साथ हैं उन्होंने एमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह से दी है, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ। तो क्या पेशेंट्स को सफर करना पड़ा इन दिनों? हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि पेशेंट सफर ना हो, लेकिन हमें अपने राइट्स भी बताने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए कि 6 महीने से यहाँ पे कोई बैच नहीं है, हम ओवर बर्डन है, हम पहले भी कई बार हो चुके हैं पेपर जल्दी गए जल्दी गए, लेकिन नेगलेक्ट ही करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हार्श स्टेप लेना पड़ा। क्या वजह है कि कैसे नेगलेक्ट की जा रही है बार बार काउंसलिंग, और काउंसलिंग नहीं होने से आप लोगों को और इफेक्ट पड़ रहा है? काउंसलिंग ना होने से जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास टोटल यहाँ पे 375 एजेंट्स हैं, तो एक साल में 125 एजेंट होते हैं, तो इस टाइम 6 महीने से यहाँ पे 125 डॉक्टर की कमी है, तो आप देखिए यहाँ पे 125 की कमी है, तो दिल्ली पूरे इंडिया में कोई बैच नहीं है, तो कितने डॉक्टर्स की कमी है, इस टाइम जो है डॉक्टर्स की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इसकी वजह से पब्लिक इफेक्ट हो रही है। अब जैसे OPD में पेशेंट आते हैं, हम जो है 250 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, अगर 375 होंगे तो जल्दी OPD फ्री होगी, इससे पब्लिक को ही फायदा होगा। दिनचर्या की बात करें तो कैसी दिनचर्या रहती है, जैसे कि आपने बताया कि ओवरवर्क है, ओवरवर्क हो गया है, ओवरलोड है सारा सब कुछ, तो कैसे दिन निकालते हैं, क्या क्या बेसिक काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं,
और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स है जो आप अपनी तरफ से और देते हैं? हम यहाँ पे जो है 36 घंटे की ड्यूटी देते हैं एट ए टाइम, हम 36 से ज्यादा की भी ड्यूटी देते हैं, 36 to 48 आवर्स आप ले सकते हैं। जैसे एक रेजिडेंट डॉक्टर जो है 7 या 8 बजे सुबह आता है, अगर उसकी नाइट ड्यूटी पूरी रात वही रहेगा, अगले दिन वो रात को जाएगा 10 बजे, तो आप काउंट ही कर सकते हैं कितना टाइम हुआ ये। तो ये नॉर्मल जो है एक ड्यूटी है, जैसे नॉर्मली ऐसा होता है पोस्ट नाइट है, कोई काम करता है तो उसको पोस्ट नाइट मिलता है, वो नाइट ही कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स में ऐसा नहीं होता, हम डॉक्टर्स नाइट रहे तो काउंट नहीं होती, डे तो वो दे ही रहे हैं। तो इस दौरान आप रेस्ट भी नहीं करते 3 दिन तक, आपको क्या टाइम मिलता है जो आप अपने लिए निकाल सके? इन दौरान टाइम नहीं मिलता है आजकल तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जो है कितना ओवरवर्डेड है, 3 साल का 3 बैचेस का काम 2 बैचेस हो जाता है तो काम बढ़ ही जाता है। अब जैसे 3rd ईयर्स के जो है वो अब जाने वाले हैं, 8 बैच है, उन्हें पढ़ना भी होता है, उनका थीसिस में काम भी है, वो भी जो है इफेक्ट हो रहा है, वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगला बैच आ नहीं रहा है, तो उन्हें भी जो है अकेडमिक्स की तरफ अपना ध्यान बढ़ाना और पेशेंट की तरफ ध्यान रखना सारे है। सर अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग फीस नहीं होती है ऑडिट होता है, जैसे आपने कहा कि अगर आपने पूरा किया लेकिन इसे भी खत्म नहीं किया, तो आगे आपका क्या सिलेक्शन रहेगा? आगे फिर हम जो है रूटीन सर्विसेज बंद की थी, आगे हमें मजबूरन जो है रूटीन के साथ एमरजेंसी सर्विसेज बंद करनी पड़ सकती है।